नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम साहब। कैसे हो आप लोग? आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट डिजिटल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुड न्यूज आ चुकी है, ग्रेड सेकंड की भर्ती आ चुकी है, ग्रेड थर्ड का भी सिलेबस आ चुका है, ग्रेड फर्स्ट का भी बहुत जल्दी क्या विज्ञापन आ जाएगा। काफ़ी 2022 काफ़ी सुखद है हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत का परिणाम लेने के लिए जी जान से जुट जाइए। दोस्तों, ध्यान रखना, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये जिंदगी का मामला है, जरा देखभाल के। तो दोस्तों, प्रस्तुत है संसद के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामों में आए हुए हैं, और मैं उनका कलेक्शन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या एक, हाँ जी, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? मामला आरक्षण का है जी। वहां पर क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या जनजातियों की है। किन की है? जनजातियों की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता, किरण, उमाकांत नायक, सब लोग खुश रहो। सिलेक्शन बाबा, डोली ब्याडवाल, न्यूज लाइन, विकी सिंह, कविता मीना, पहले तो इस क्लास को सबसे पहले अपने दो दो मित्रों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को शेयर करो, और लाइक जरूर किया करो। तुम लोग देख तो लेते हो, क्लास को लाइक नहीं करते हो। लाइक करोगे तो हमें क्या, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है हमारा। फिर हम सप्ताह में और 3 दिन आए करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, और कम से कम 2 मित्रों को शेयर करो, अभी की अभी शेयर करो, कर दो शेयर। इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब देखो क्यों आएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय, इनमें क्या जनजाति जनसंख्या है, इसलिए इनमें आरक्षण की जरूरत कोन्या, आरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट कहां पर है, मध्य प्रदेश में 6 सीट, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की लोकसभा सीट आरक्षित है उत्तर प्रदेश में। तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं, है ना। तो देखो, सबसे ज्यादा एससी की लोकसभा सीट, एससी की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 17 यूपी में है, और एसटी की सबसे ज्यादा आरक्षित सीट एमपी में 6, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना, और इनमें है ही नहीं, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ता हूं मित्रों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। देखो, ये प्रश्न की भाषा है ना, ये आई हुई है, ये भाषा आईडी है, ये भाषा आ चुकी है मित्रों, और ये भाषा आ चुकी है तो हमें उसी भाषा में लेना है। ये यूं कहना चाह रहा है कि धन विधेयक है, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, इसमें से पास होकर राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा ने संशोधन की सिफारिश कर दी, तो अब क्या होगा। ये कह रहे हैं विवेक शर्मा, खुश रहो, दूर से खुश रहो डिजिटली। सोनाक्षी लोहर, नमस्कार। राजेंद्र गुजर, नमस्कार, बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पहले तो क्या करो, शेयर करो। सर, आप एक अनाउंसमेंट कर दो जी कि जितनी भी मतलब हमसे एक बहुत बड़ा चीज छूट गई थी, अपने जितनी भी कोई विधवा महिला है, हाँ, उनको हम 7,000 का जो कोर्स है हमारा, जिसमें फर्स्ट पेपर क्लियर लिख लो यहाँ पे। देखो मित्रों, अभी आप लोगों को एक SST पॉइंट के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, सरप्राइज, व्हाट इज सरप्राइज। तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन, सुन लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम सामाजिकता को निभाते हुए, समरसता को निभाते हुए, संवेदनाओं को लेकर के
एक डिस्काउंट देकर हम एक डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, वो बच्चे हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं जो महिलाएं हैं और महिलाएं विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में SST का अगर कोर्स खरीदते हैं तो उनको 70% जो बेसिक प्राइस है 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप ये कह रहे होंगे सर आप तो बेचने का ऐड कर रहे हो, हम बेचने का ऐड नहीं कर रहे हैं, ये एक सूचना है संबंधित लोगों को, ये हो सकता है उपयोगी सिद्ध हो। 70% SST इसमें GK फ्री है, कोर्स परचेज करने पर विधवा महिलाओं के लिए ये एक योजना बनाई गई है, तो कृपया आप संबंधित लोगों को इन्फॉर्म करें, अगर उन्हें कोर्स खरीदना है आवश्यकता है तो उनको कम से कम मिनिमम प्राइस पर ये चीज़ उपलब्ध हो सके। और 30% को इसलिए लिया जा रहा है शायद ताकि वो टेक्निकल GST वगैरह वो जो लगता है वो खर्चा पानी 7,000 का कोर्स है जिसपे, क्योंकि बेसिक कोर्स की जो प्राइस है वो 7,000 रुपये है जिसके ऊपर 70% डिस्काउंट है और वो 2100 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा, मात्र 2100 रुपये में। तो आपके लिए मैं सूचना है, लेकिन किसी के लिए जिंदगी का सवाल भी हो सकता है तो ये बस ID प्रूफ जमा कराना, हाँ बिल्कुल, विडो का सर्टिफिकेट होता है वो जमा कराना पड़ेगा, और आप कॉन्सेप्ट में संपर्क कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। देखो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा जो फंडा है वो यही है, कैसा पहला है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। देखो साहब राज्यसभा ने क्या दिया, उसने संशोधन की सिफारिश भेजी लोकसभा को, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा पहला विकल्प। लोकसभा की बैठक में भाग लेने तथा मत देने वाले सदस्य को द्वितीय बहुमत से पारित होगा, दूसरा विकल्प। तीसरा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। चौथा विकल्प यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा स्वीकार करते हुए पास कर दे, इसका उत्तर डी आएगा डी। चौथे विकल्प का उत्तर आएगा डी, चौथे विकल्प का आंसर आएगा डी, डी उत्तर आएगा। और आप में से काफी बच्चों ने सही भी दिया है और काफी बच्चों ने क्या दिया है गड़बड़ भी किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से क्या है गड़बड़ ना करें, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए साहब लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो क्या प्राप्त नहीं हो। देख लो दोस्तों सुमन लता मैडम का लाडला रीट बेकर शाबाश, विकी सिंह, सुशील तवर, योगिता यादव, सोनाक्षी लोहार, बिल्कुल आप सबका, कविता मीना बहुत बढ़िया कविता, काफी बच्चे सही भी जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल बताओ, देखो आ गए जवाब सही सही, बिल्कुल बताओ फटाफट जवाब दो, वेरी गुड। उमाकांत दे रहा है साहब, विवेक शर्मा दे रहा है, कविता भी दे रही है जवाब, लेकिन कविता तुम्हारा उत्तर गलत है। विवेक शर्मा बिल्कुल फटाफट जवाब दो। सोनाक्षी लोहार नमस्कार भाई, रेणुका अजय बेनीवाल नमस्ते, हरिश्चंद्र बहुत बढ़िया, एडवोकेट मुकेश शर्मा। देखो साहब डाले गए कुल वैध मतों के अगर 6% मत कितने परसेंट 1/6 को प्राप्त कर ले तो उसकी जमानत राशि वापस लौटा दी जाती है, जमानत जब्त नहीं होती। सुमन लता मैडम का लाडला रीट 2022 आपका पढ़ तो लिया मैंने, अब देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लोकसभा के उम्मीदवार को पर्चा भरते समय 25,000 रुपये क्या है जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, ठीक है, और SC ST के लिए आदि हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 12,500 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रहे राष्ट्रपति के लिए SC ST के लिए जमानत राशि कम नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में कम होती है ये ना। तो अब देखो यहां पर यदि डाले 100 वोट डले कितने वोट 600 वोट डले, 600 वोट में से छठवां हिस्सा कितना होता है 6, 6
100 वोट होता है 600 में से, तो 100 वोट अगर नहीं मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं लौटाई जाएगी, और ये भारत में सभी के चुनावों पर लागू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखो दोस्तों, वैसे तो खैर आप लोग खूब मेहनत करते हो, लेकिन लगातार एग्जाम के टेस्ट पेपर देने से भी हमें जो आता है उसका पता चलता ही है, लेकिन हम 10 बातें नई भी सीखते हैं। अवनी सिंह नमस्ते, कविता मीना बिल्कुल सही बात है, हाँ जी फटाफट बताओ, बहुत बढ़िया। लोकसभा में चुनाव के लिए निर्वाचित होने लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो सरल सवाल है। डॉली, विकेश सिंह, रेणुका अजय, बेटा ये सरल सवाल है तो अब क्या करें, सवाल तो सरल भी आते कठिन भी आते हैं, अब अगर हमको उत्तर पता है तो सरल, नहीं पता है तो क्या है, कठिन। नरसी राम मीणा, महेश कटारा, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए उत्तर क्या आएगा 25 है, और आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता ही देता हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और स्थानीय शासन, जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों आते हैं, स्थानीय शासन, इनमें उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है 35 वर्ष, राज्यसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है 30 वर्ष, लोकसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है 25 वर्ष, विधानसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और स्थानीय शासनों में पंचायती राज और नगरीय निकाय उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में सारी बात आ गई होंगी। राम सिंह मीना, आरजे 35 प्रतापगढ़ से लेट हो गया, कोई लेट नहीं हो, समय का चक्र है, किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई कभी लेट होता ही नहीं है, समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलो, जिंदगी में हमेशा अर्ली इन दी मॉर्निंग ही रहती है, एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तों, बस हौसला होना चाहिए। ठीक है, अगर हौसला भर लिया उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। तो दोस्तों प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5 पर, देखिए उत्तर आपके सामने आ चुके, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन और 333, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके तहत ये प्रावधान है, और 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसके तहत अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म हो गया है, अब इनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यहां पर उत्तर आ जाएगा राष्ट्रपति 331 के तहत, और देखो राज्यों में राज्यपाल विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है यदि निर्वाचित होकर नहीं आया हो तो, और राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, दो को यदि निर्वाचित होकर नहीं आया हो तो, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 543, अगर इनमें जीत कर आ गया तो ठीक, और नहीं जीत कर आया तो फिर राष्ट्रपति दो को मनोनीत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लोकसभा का नेता कौन होता है, सरल है साहब, उत्तर गलत ना हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि उत्तर आप सही करोगे, उम्मीद है, और दोस्तों उम्मीद हमेशा रहनी भी चाहिए। बताओ साहब, बिल्कुल राम अवतार सही है, आज तक याद है तुमको मेरी बात, बताओ बेटा
बताओ बेटा, अब हम तो बताई देंगे, संतोष पटेल, राम सिंह मीना, विकेश सिंह डोली, कविता, हरीश चंद्र चरपोटा, प्रधानमंत्री होता है, सुमनलता मैडम का रीड करा रहे, एसएसटी का बैच शुरू कर रहे हैं बेटा, कल संडे को फ्री सेमिनार है कॉन्सेप्ट में। नीतू बेनीवाल, प्रश्न बी, प्रधानमंत्री लोकसभा क्या होता है, नेता होता है, ध्यान रहे लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत दल का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? अब देखो हिंट दे रहा हूं 1971 की जनगणना के आधार पर है और 2026 तक यही रहेगी। कविता मीना, सर पीएम कैसे? कविता, पीएम ऐसे क्योंकि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और जब लोकसभा भंग होती है तो इसके लिए परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री ही देता है। तो लोकसभा कब तक जिंदा रहेगी ये किस पर निर्भर करता है? प्रधानमंत्री की इच्छा पर। हाँ जी ठीक है, कविता समझ में आया हो तो बताना। 31वां संविधान संशोधन, 31वां, और 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। इन बढ़ी हुई सीटों के आधार पर पहली बार चुनाव हुए थे 6वीं लोकसभा के 1977 में, और आपको पता होना चाहिए 1952 में जो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान से कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। और आपको यही पता होना चाहिए 1977 में पहली बार राजस्थान से कितने सदस्य गए? 25 लोकसभा सदस्य गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ और विषय को आगे बढ़ाते हुए, माहौल को झमाझम करते हुए, टनाटन बनाते हुए और नई नई चीजें सीखने के लिए। मदन सिंह, नई नई चीजें सीखने के लिए हम आपके सामने आ जाते हैं सप्ताह में एक बार सुबह या शाम। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है यानी सभापति होता है, बताओ साहब। उमाकांत, राम सिंह मीना जी, सुमनलता मैडम का लाडला, मदन सिंह, महेश कतारा, नीतू बेनीवाल, विकेश सिंह, हरिश्चंद्र चरपोटा, डॉली। उमाकांत, कविता मीना, गुड, बहुत बढ़िया। उत्तर आएगा भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों ये कहते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। लेकिन ध्यान रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कृष्णा यादव, अवनी, बहुत बढ़िया। शांतिलाल उजीनिया, प्रणाम, खुश रहो। प्रिया लोहार, दूर से खुश रहो। चलो साहब प्रश्न संख्या 9 की तरफ चल रहे हम, देख लीजिएगा आपके सामने है माहौल। सूची एक सेकंड, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से बेमेल उत्तर का चयन कीजिए। बेमेल उत्तर बताना है भैया, इधर राज्य उधर राज्यसभा में उस राज्य से सीटें मिलान कर दो। मिलान करो भैया मिलान कर दो, मेल मिलाप। देखो आंध्र प्रदेश गुम आंध्र है, कोई क्या है गुम आंध्र। गुजरात से 11, मध्य प्रदेश से 11, आंध्र प्रदेश से 11, तो देखो इसमें कितने कितने आ रहे हैं।
आंध्र प्रदेश आ गया, 11 सही है ये जोड़ा, तो ये तो बिल्कुल सही मिल रहा है, ये उत्तर नहीं मिल रहा है, ये तो है ना। एमएच मेहरा, मेहरा 19 है, ये भी मैच है। नाटक के लिए 12, ये भी मैच है। बंगाल बीबी 16 लगती है, बंगाल से 16 और बिहार से 16, बीबी क्या लगती है, 16 लगती है। राम अवतार टाड़ा पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग संवैधानिक या गैर संवैधानिक? भैया राम अवतार ये गैर संवैधानिक संस्था, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। बिल्कुल उत्तर आएगा डी, ये बेमेल है, ठीक है। प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 10 और उत्तर दे दो बस। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? अभी बताया था, हिंट दी थी। सुमन लता मैडम का लाडला रीट 2022, सर रीट लेवल सेकंड के एसएसटी का सेकंड पेपर का नया बैच कब शुरू करेंगे? सर पेपर सेकंड के लिए कल से शुरू कर रहे हैं भैया, कल सेमिनार है फ्री में और मंडे से सुबह मॉर्निंग का बैच शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बताओ रे, बताओ बताओ, कौन है कौन है? राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है। गुड, राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखो साहब, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये तो सही है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। बताओ सी, राज्यसभा यथा शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, और डी, भारत के मानवतावादी को राज्यसभा में, भारत के मानवतावादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। अब बताओ, बताओ रे बताओ बच्चों, 11 में बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल झमाझम उत्तर सही है, ए सही है। क्या सही है? ए सही है, बाकी सब गलत हैं। इसका उत्तर आएगा ए। अनुच्छेद 83 कहता है राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद की भाषा है? अनुच्छेद 83 की भाषा है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विशिष्ट अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? देखो ये भाषा थोड़ी लंबी है, तो इसका मतलब ही एग्जाम में आईएडी भाषा छे, आईएडी ये आई हुई है एग्जाम में। हाँ कविता, हाँ राम सिंह, गायत्री चौधरी, सुभाष गरासिया, विकेश सिंह, राम अवतार, उमाकांत नायक, हरिश्चंद्र चरपोटा, सावित्री तिवारी। फटाफट, आ गई है तुम्हारी बारी, बताओ। राज्यसभा का वर्तमान राज्य परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये काम नहीं है भैया राज्यसभा का। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक से अखिल भारतीय सृजन करने, सशक्त बनाने एक प्रस्ताव पारित करना। हाँ बी सही है, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्तर आएगा बी, अब सही है उत्तर बी 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 बी, मान गए साहब। आखिर सवाल को ढूंढ ही लिया,
बिल्कुल सही बात है, इसमें राज्यसभा के कार्य पूछे गए और इसका उत्तर बी आएगा, बाकी सब गलत उत्तर हैं। बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की तरफ, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, 116, 226, 249, बताइए साहब। ये तो सरल सही है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से, उपस्थित प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो फिर एक वर्ष तक उस विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, और एक वर्ष बाद उस कानून का अधिकतम प्रभाव 6 महीने तक और रह सकता है। वेरी गुड। प्रश्न संख्या 14 देख ली, 14 ऑन योर स्क्रीन, बताइए साहब, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? अनुसूची 4, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, जिनको 22 भागों में बांटा गया है, बताइए, दीजिए जवाब साहब, क्या माहौल है, क्या मामला है, बताओ साहब फटाफट, उत्तर शुरू, 1 2 3 4 5, फटाफट जवाब दीजिए। आ तो रहे हैं तुम्हारे उत्तर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पीके गुजर, तुम्हारा उत्तर गलत है बेटा। नीतू बेनीवाल, तुम्हारा उत्तर गलत है। जिन बच्चों ने आंसर दिया है डी, उनका उत्तर सही है, उत्तर आएगा डी। देखो साहब, ये 7वीं अनुसूची है, इसमें भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची है, जनजाति है, ये 5वीं अनुसूची है, और ये 4थी अनुसूची है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और आगे वैसे तो जिनको पता है हम बता देते हैं, हम ट्रिक्स के माध्यम से इनको पढ़ाते हैं, ढंग से डिटेल में पढ़ाते हैं। हाँ राम अवतार टाडा, बहुत बढ़िया, एसएसटी के बैच के स्टूडेंट हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, जो रूम नंबर 103 में चलता है उसके स्टूडेंट हो तो राम अवतार आप, तभी कह रहे हो राहुल गांधी जी का उल्टा चश्मा। हाँ, सुनीता कुमारी कह रही, सर आपका कोर्स क्यों नहीं मिल रहा है? मिल तो रहा है सुनीता, क्या दिक्कत है, आप उनसे संपर्क करो जो ऑनलाइन नंबर दे रखे हैं, मिलेगा। बताओ रे बच्चों, 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए निश्चित में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, बताओ। वेरी गुड, उत्तर आएगा डी। देखो, राज्यसभा में 238 प्लस 12, ये अधिकतम सदस्य संख्या है 250, ये अधिकतम सदस्य संख्या है 250, ठीक है, ये 12 मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या अगर पूछा जाए तो 245, जिनमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, जिनका 4 क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा हो, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इसका सूत्र है सबक समाज, क्या है, सबक समाज, इन चारों क्षेत्रों का क्रम पूछ लिया जाता है। ये 12 सदस्य इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधायकों द्वारा। आगे बढ़ता हूं, मामले को लाइट एम लाइट करता हूं, तो देखिए
धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़िए, सफलता की तरफ कदम बढ़ाइए और कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज को लाइक करिए, शेयर करिए और मित्रों से हल करवाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व कैसे पता चलेगा? समान प्रतिनिधित्व गुम नाम है कोई, इस सूत्र से बन रहा है का देखना। गुजरात से 11, मध्य प्रदेश से 11, आंध्र प्रदेश से 11 है क्या कोई ऐसा मामला? आंध्र प्रदेश तथा गुजरात है क्या कोई मामला? गुड, अबनी सिंह, वेरी गुड, डॉली बहुत बढ़िया, साजिद गुड, पीके गुजर बिल्कुल, गुजरात और आंध्र प्रदेश, वेरी गुड बेटा, बढ़िए। 17 की तरफ, प्रश्न संख्या 17, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान, निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? समझ गए प्रश्न को, देख लीजिए, ये प्रश्न आयड़ा 6, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ज्योति रिंकू गुड इवनिंग, लेट हो गई गायत्री, प्रश्न चेंज हो गया, उत्तर झमाझम करके दो। विकेश सिंह, हरीश चंद्रा, अवनी सिंह, सावित्री तिवारी, उमाकांत नायक, प्रिया लोहार, पूजा, उत्तर दीजिए फटाफट दो। सर ये तो कठिन सवाल है, नहीं पहले हमें ढूंढना होगा। यूपी 31 मनाता है, यूपी से कितनी जाती हैं? 31। अब देखो, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और कर्नाटक से, मैं बता रहा हूं सीटें। तो देखो गुम आंध्र देख लीजिए कितनी हो गई, 11 11 11। बिहार से बीबी 16 लगती है, बंगाल और बिहार से कितनी जाती हैं? 16। मेहरा 19, महाराष्ट्र से कितनी जाती हैं? 19। नाटक के लिए 12, तो 12 और 19 31 होती हैं, उत्तर आएगा डी। कितना उत्तर आएगा? डी, क्योंकि महाराष्ट्र से 19 और कर्नाटक से 12, और 12 और 19 कितनी होती है? 31। ये लो यूपी के बराबर। चलो गुड, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने गलत उत्तर देकर के फिर सीखा है। कभी कभी गलतियां करनी भी चाहिए, क्यों? अगर गलती करेगा नहीं इंडिया तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? तो सीखने के लिए गलती बहुत जरूरी है, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, एरर इज द बेस्ट टीचर। अगर आपको सीखना है तो गलतियां करिए। इसलिए दोस्तों, कुछ लोग तो गलती, अगर बच्चा सोचे कि मैं अगर चलूंगा तो गिर जाऊंगा, और गिरने के डर की वजह से अगर वो चलना ही नहीं सीखे, कभी संभव है? नहीं। ऐसे तुम्हें भी गलतियों से डरना नहीं है, क्योंकि अगर गलती नहीं करोगे तो फिर गलता जी कैसे जाओगे? तो गलती प्लस गलती बराबर गलता। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताइए बताइए, टेल टेल, बोलो बोलो। छह वर्ष के लिए, कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अति उत्तम, अति सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न संख्या 19 है रे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 ऑन योर स्क्रीन। गजेंद्र, अवनी, हरीश चंद्र चरपोटा, सावित्री, विकेश, पीके, ज्योति, गायत्री, पूजा, मदन, कर दो माहौल को जमाजम, उत्तर शुरू। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, उसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहचान लिया आज तो, पहचान लिया? देखो कौन सुमेलित नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से कितनी जाती हैं, 11 जाती हैं, कितनी जाती हैं, 11। प्रश्न संख्या 20, कोई नहीं है फीस, फिर भी शेयर नहीं कर रहे हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये तो मामला सरल है साहब, बिल्कुल सरल है मामला, लाइटम लाइट है। अनुच्छेद बताओ कौन सा है, अनुच्छेद बताओ कौन सा अनुच्छेद तहत मनोनीत होते हैं? अनुच्छेद बताओ कौन से अनुच्छेद तहत मनोनीत होते हैं, फटाफट बताओ अनुच्छेद, आर्टिकल बताओ। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, कौन सा अनुच्छेद के तहत बताइए साहब। अनुच्छेद 83 के तहत, और इनके कितने क्षेत्रों में योगदान हो, 4 क्षेत्रों में, सबक समाज, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये क्रम है ध्यान रखना, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों का, जिन्हें क्या हो, इनका 4 क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा हो, है ना। आगे बढ़ता हूं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। निम्नलिखित में कहां से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अब देख लो, सबसे कम सबसे कम जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, 3 सदस्य जाते हैं सब, ठीक है, कितने जाते हैं, 3, ठीक है। कितने जाते हैं, 3 सदस्य जाते हैं, कहां से जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर आएगा डी। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अभी पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, और उसमें भारत की वाजपेयी सरकार की एक वोट से जो बर्खास्त की हुई थी, विश्वास प्रस्ताव को हार गए थे, उसकी चर्चा हो रही है वापस से, तो बताओ बेटा फटाफट,
उत्तर तो दिया है आप लोगों ने, और सही उत्तर ज्यादा लोगों ने दिया, बिल्कुल सही है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। राज्यसभा में अगर सरकार के कोई विधेयक गिर जाए, सरकार की हार हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर लोकसभा में होता तो सरकार गिर जाती, सरकार बर्खास्त हो जाएगी ना। प्रश्न संख्या 23, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, शेयर कर दो मित्रों को, वीडियो को लाइक भी किया करो भैया। तुम लोग लाइक ज्यादा करोगे तो मैं जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा सप्ताह में 3-3 बार आ जाऊंगा, एक ही वीक में। अब सप्ताह में 1 बार आता हूं। लाइक कम करते हो, ज्यादा लाइक किया करो, ठीक है। चलो बताओ फटाफट जवाब दो, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। एकांतक का मतलब है राज्यसभा की क्या है, विशेष शक्ति जो अकेले राज्यसभा को प्राप्त है, विशेष। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक नियुक्ति में भारत को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना, बताओ। इसका उत्तर आएगा भैया डी, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है ना उपराष्ट्रपति, उसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ आएगा राज्यसभा में ही आएगा, और राज्यसभा ही हटाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करती है, संसद करती है, राज्यसभा सृजन नहीं करती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की क्या करती है, सिफारिश करती है। क्या करती है साहब, सिफारिश करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी के कथन सही है नहीं, एक इसलिए नहीं है क्योंकि सिफारिश करती है, सृजन नहीं करती। सृजन करना किसका काम है, संसद का काम है। प्रश्न संख्या 24 है, और बताइए आपके सामने प्रश्न संख्या 24, अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न है। ये आए हुए प्रश्न सब एग्जामों में, इसलिए क्या है अच्छे भी सवाल आते हैं, कई बार तो रिपीट भी होते हैं प्रश्न। ये आपकी जनरल समझ पर आधारित प्रश्न है ये। बताइए साहब, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अभिलाषा, बताओ बेटा, राज्यसभा भंग होती नहीं है, राज्यसभा तो कैसा सदन है, स्थाई सदन है। कैसा सदन है ये, तो स्थाई सदन है, लोकसभा भंग होती है। इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा डी, उत्तर आएगा डी। देखो सरल सवाल है लेकिन गलत हो गया, तो ये थोड़ा सा मामला देख लिया करो रे बच्चों। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, सरल सवाल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, नेगेटिव है अब सब में, चाहे थर्ड ग्रेड दे लो, चाहे सेकंड ग्रेड दे लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे लो, नौकरी के लिए जो भी एग्जाम दोगे उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। दुख उस बात का होता है कि वो सवाल सही हो सकता था जो गलत हो गया। हमारा सलेक्शन तब नहीं होता जब हमारा जो सवाल सही होना चाहिए था वो गलत हो जाए, क्योंकि 3 गलत क्वेश्चन हमारे 1 सही को और खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा रे भैया,
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है राज्यसभा के संदर्भ में, तो देख के बताओ फटाफट कौन सा कथन सही है। आराम से देखा करो, तुम जल्दी क्यों करते हो बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, चाहे भले 10 सेकंड ज्यादा लो। हाँ पंकज कुमार, प्रणाम सर, सिंह द्वार अलवर से बेटा स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन इस प्लेटफॉर्म पर। गजेंद्र कुमार माली, हाँ नीतू बेनीवाल, पूजा, सुमन लता मैडम का लाडला, रीट 2022 का लाडला, बताओ रे। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ये उत्तर है बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों ने गलत जवाब भी दिया है, तो वो एक बार विचार जरूर करें कि भाई हमें कौन सी चीज को कितना पढ़ना चाहिए और गलत क्यों हुआ। प्रश्न संख्या 26, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, अब देखो बताओ राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है। देखो साहब सोच समझ करके जवाब दो, ये प्रश्न अब आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया डी। देखो दो चीजें, राज्यसभा ये तो है स्थायी सदन, कैसा सदन, स्थायी सदन है ये तो, और एक होता है राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब इसमें सदस्य पूछा राज्यसभा, राज्यसभा राज्यसभा तो स्थायी सदन, इसलिए उत्तर आएगा डी, इसलिए उत्तर क्या आएगा डी आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 27, देखो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, संसद की समितियों के माध्यम से, याद है पीएसी, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, उत्तर आएगा ए। उत्तर क्या आएगा, ए आएगा साहब, बताओ। प्रश्न संख्या 28, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताइए सब। तो कौन वोट डालता, जनता वोट डालती है क्या, गुड बहुत बढ़िया, ऐसे देखो उत्तर आने चाहिए। काफी बच्चे तो बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं और कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधायक ही तो वोट डालते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन ध्यान रखना राज्यसभा सदस्यों का चुनाव खुला मतदान द्वारा होता है ना, और ये प्रावधान किया गया था 2003 में, कब किया गया था 2003 में। अब ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बताओ बच्चों, अच्छा सवाल है ना, ऐसे गलत मत किया करो आप जल्दबाजी में। हां सावित्री, अवनी,
अभिलाषा, गजेंद्र कुमार माली, पूजा, विकेश सिंह, लोकेश मीना, गायत्री चौधरी, माहौल को झमाझम कर दो बच्चों, और ऐसे धुआं देते रहते हो, कई बार तो उत्तर गलत हो जाता है, विदा दे के दे देते हो, विदा इनको ढंग से चार विकल्पों को पढ़ा करो। हाँ, इतना धुआं इतना जल्दी मत दिया करो, प्रश्न को ढंग से देख करके जवाब दिया करो, है ना। सरोज यादव, तो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा घोषित करती है ना, बिल्कुल पंकज कुमार, आपकी बात मैंने पढ़ ली है और मैं जरूर बात को आगे तक बढ़ाऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया। देखो साहब, कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संसद में विधि बनाने के संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखो, कौन सा राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये तो सही है। राज्यसभा को उपस्थित मत देने वाले सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों, नहीं साहब यही गलत है, उत्तर आएगा दो। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत शब्द आना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 30। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, ये लास्ट प्रश्न बेटा ये। इसके साथ आज की संसद की सीरीज का समापन हो जाएगा, और फिर हालांकि अगली और एक क्लास संसद पे ही लेंगे हमें ना। क्वेश्चन नंबर 29 को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा एक बच्चा डिमांड कर रहा है पीछे से। देखो साहब, संसद की शक्ति सही कौन सी, राज्यसभा को घोषित करना होगा ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 249। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित, ये दो तिहाई बहुमत चाहिए बी में, बी में कितना बहुमत चाहिए था, दो तिहाई बहुमत चाहिए रे, दो तिहाई बहुमत चाहिए, और यहां पर सिर्फ उपस्थित सदस्यों को बहुमत, इसलिए यही आएगा, यही गलत है, ये है बात। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या की वजह से दिया जाता है, मैं बता दूंगा आपको, किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा और किसी राज्य की जनसंख्या कम से, तो क्या उत्तर आ जाएगा बताओ मित्रों, फटाफट विकल्प देख करके। हाँ गजेंद्र, बिल्कुल डी है, लेकिन डी में मुझे ऐसा लगता है कोई मिस्टेक है, बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र, यू आर राइट, और बताओ बेटा, बिल्कुल उसमें कुछ मुझे कंप्यूटर मिस्टेक लगी, बिल्कुल यू आर राइट, है ना। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में, बी आ जाएगा, बिल्कुल गजेंद्र यू आर राइट, है ना। अब मेरे को फटाफट बताइए कितने सही है, 30 में से सही कितने, फटाफट जवाब दो, फटफट फटफट फटफट, और क्लास कैसी लगी मेरे को फटाफट रेस्पोंड करो, थंब लगाकर, अंगूठा दिखाकर, फूल माला भेजकर बताओ। बिल्कुल लोकेश मीना, राष्ट्रीय हित में कानून संसद बनाती हो, कंप्यूटर मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर बोनस दिया जाता है सबको, इसको डिलीट माना जाए। अब बताओ बेटा, पंकज कुमार का सबसे पहले रेस्पोंड आया है साहब, थैंक यू पंकज, और बताओ फटाफट कितने सही है और क्लास कैसी लगी, हमें आप अपनी प्रतिक्रियाएं कॉन्सेप्ट पोस्ट बॉक्स यूट्यूब चैनल SST पॉइंट पर भी दे सकते हैं। महेंद्र सियोल, गुड, वेरी गुड,
लोकेश मीना 249-312 ये ऐसे आर्टिकल जिसमें राज्यसभा को विशेष पावर है, ये 249 की लैंग्वेज थी। और बताओ, चलो थैंक यू मित्रों, वी विल मीट यू विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट पार्ट टू, अगली बार भी संसद के पार्ट दो में आऊंगा मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया गजेंद्र, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव ए गुड नाइट।